हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, धन्यवाद 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 यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं। सुबह से लेकर अभी तक आपने अपने आंखों के पुतले की मानिंद संभाल कर रखा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी तारीफ हो परमेश्वर पिता। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। आदर और प्रशंसा के योग्य प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ओ लॉर्ड जीसस, हम तेरी महिमा करते हैं। हालेलुया, अरे खतरों मुसीबतों से हर रोज हमें जो बचाता है, हमें जो संभालता है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, नीति वचन 30 अध्याय पहला वचन से, प्रोवर्ब्स चैप्टर 23 एंड वर्स फ्रॉम 1। जब तू किसी हाकिम के संग भोजन करने को बैठे, तब इस बात को मन लगाकर सोचना कि मेरे सामने कौन है, और यदि तू अधिक खाने वाला हो तो थोड़ा खाकर भूखा उठ जाना, उसके स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं के लालसा ना करना, क्योंकि वह धोखे का भोजन है। धनी होने के लिए परिश्रम ना करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं? वह उकाब पक्षी के समान पंख लगाकर निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। जो डाह से देखता है उसकी रोटी ना खाना, और ना उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा करना, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। वह तुझसे कहता तो है खा पी, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं। जो कौर तूने खाया हो उसे उगलना पड़ेगा, और तू अपनी मीठी बातों का फल खोएगा। मूर्ख के सामने ना बोलना, नहीं तो वह तेरी बुद्धि के वचनों को तुच्छ जानेगा। पुरानी सीमाओं को ना बढ़ाना, और न अनाथों के खेत में घुसना, क्योंकि उनका छुड़ाने वाला सामर्थी है, उनका मुकदमा तेरे संग वही लड़ेगा। अपना हृदय शिक्षा की ओर और अपने कान ज्ञान की बातों की ओर लगाना। लड़कों लड़के की ताड़ना ना छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो नहीं मरेगा। तू उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। हे मेरे पुत्र, यदि तू बुद्धिमान हो तो मेरा ही मन आनंदित होगा, और जब तू सीधी बातें बोले तब मेरा मन प्रसन्न होगा। तू पापियों के विषय में मन में डान करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। हे मेरे पुत्र, तू सुनकर बुद्धिमान हो और अपना मन सुमार्ग में सीधा चला। दाख मधु के पीने वालों में ना होना, न मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना, क्योंकि पियक्कड़ और पेटू अपना भाग खोते हैं, और पिनक वाले को चिथड़े पहनने पड़ते हैं। अपने जन्माने वाले पिता के सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ ना जानना। सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं, और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना। धर्मी का पिता बहुत मगन होता है, और बुद्धिमान का जन्माने वाला उसके कारण आनंदित होता है। तेरे कारण तेरे माता पिता आनंदित और तेरी जननी मगन हो। हे मेरे पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगा, और तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रहे। वेश्या गहरा गड्ढा ठहरती है, और पराई स्त्री सकरे कुएं के समान है। वह डाकू के समान घात लगाती है, और बहुत से मनुष्यों को विश्वासघाती कर देती है। कौन कहता है हाय हाय? कौन झगड़े रगड़े में फंसता है? कौन बक बक करता है? किसके अकारण घाव होते हैं? किसकी आंखें लाल हो जाती हैं? उनकी जो दाक मधु देर तक पीते हैं, और जो मसाला मिला हुआ दाक मधु ढूंढने को जाते हैं। जब दाक मधु लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है, जब वह धार के साथ उंडेला जाता है तब उसको ना देखना, क्योंकि अंत में वह सर्प के समान डसता है और करैत के समान काटता है। तू विचित्र वस्तुएं देखेगा और उल्टी सीधी बातें बकता रहेगा,
तू समुद्र के बीच लेटने वाले या मस्तूल के सिरे पर सोने वाले के समान रहेगा। तू कहेगा कि मैंने तो मार खाई परंतु दुखित ना हुआ, मैं पिट तो गया परंतु मुझे कुछ सुधी ना थी, मैं होश में कहवा हूँ, मैं तो फिर मदिरा ढूंढूंगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की तारीफ हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो भी काम करना है प्रभु के डर और भय में चल। हालेलुया, बुद्धिमान हो जा। परमेश्वर कौन सी बुद्धि के बारे में बात कर रहा है? इस वचन की बुद्धि। हालेलुया, ये वचन एक निर्बुद्धि को बुद्धिमान बना देती है। यदि आज परमेश्वर के वचन को थाम लो तो आपको उठना, बैठना, चलना, फिरना, कहां पर क्या बोलना, ये सारी बातों को परमेश्वर सिखाता है इस वचन के द्वारा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर यहोशू को कहता है कि दृढ़ हो जा, तेरा मन कच्चा ना हो। वो कहता है तेरी प्रजा का मैं कैसी अगुवाई करूंगा। वो डर रहा था, वो घबरा रहा था, और तब परमेश्वर कहता है, हालेलुया, वो क्या कहता है, यहोवा क्या कहता है, वो कहता है कि व्यवस्था के पुस्तक तेरे चित्त से कभी ओट ना होने पाए। मतलब परमेश्वर के वचनों पे हमेशा ध्यान लगा के रखना, मन लगा के रखना। ऐसा करने से तू सफल होगा, तू बढ़ते जाएगा। और जब आज आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ोगे, यदि आज परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ले लोगे, तो आप कभी भी सेम न रहोगे। आप बदलोगे यीशु के समर्थन में। आपका आपका जीवन बदलेगा, आपका परिवार बदलेगा, आपका घराना बदलेगा, आपके रास्ते खुलेंगे, आपको सर झुकाना नहीं पड़ेगा, आपको शर्मिंदगी नहीं होगी। हालेलुया, आप गरीबी नहीं होगी। परमेश्वर का वचन कहता है नींद से प्रीति ना रख, नहीं तो तू दरिद्र हो जाएगा। जो नींद से प्रीति रखते हैं, जो आलसी हो जाते हैं, जिनका कोई काम करने का मन नहीं करता, वो दरिद्र हो जाता है। हालेलुया, प्रार्थना में बने रहा, अड़े खड़े रहा, प्रभु में विश्वास योग्य रहा, प्रभु के पीछे चलता जा, और परमेश्वर के वचन का ज्ञान रख, समझ रख। प्रभु किसको कहता है? यहोशू को। प्रभु किसे कहता है? सुलेमान को। कि परमेश्वर का तू ज्ञान रख, तेरे पिता के परमेश्वर का वचन का तू ज्ञान रख, और तब तेरे काम सफल होंगे, तब तेरे काम आशीषित होंगे, फलवंत होंगे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। आज ये वचन जो आपके हाथ में है, इसे रोज 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 मेडिटेट करना शुरू करें, रोज पढ़ना शुरू करें। एक टाइम टेबल बना लीजिए, नहीं मुझे इस समय पुराना नियम पढ़ना है, मुझे इस समय नया नियम पढ़ना है। सुबह आप भजन संहिता पढ़ो, नीति वचन पढ़ो, दोपहर को आप पुराना नियम पढ़ो, नहीं तो नया नियम पढ़ो। आप अपनी मर्जी से बना लो, आप वचन पढ़ना शुरू कर। मिनिमम एक घंटे तो आपको वचन पढ़ना ही चाहिए। और जब आप पढ़ोगे, आप परमेश्वर को बुद्धि देगा, आपको समझ देगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसी बात ही बोलना है, कहाँ पर क्या आंसर देना है, फिर आप सेम नहीं रहोगे। आमीन, प्रभु का धन्यवाद हो। आज मांगो परमेश्वर से बुद्धि, बोलो परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, मुझे बुद्धि दे, मुझे समझ दे, मुझे ज्ञान दे, मुझ पर अनुग्रह कर। और मांगो मांगो परमेश्वर से, प्रभु मुझे समझ बुद्धि दे, मुझे ज्ञान से भर दे। हालेलुया, अनुग्रह से भर दे। धन्यवाद यीशु। प्रभु तेरी समझ बुद्धि ज्ञान से भर दे, तेरे अनुग्रह से भर दे, तेरी समझ से भर दे। ओ जीसस, दया करो, दया करो, दया करो, दया करो, दया करो। धन्यवाद रब कतिर रब शंतिर रब कतिर रब। प्रभु जी, शूले परमेश्वर पिता, शूले परमेश्वर पिता, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी तारीफ पर तेरे बंधन टूट जाए, हर एक बंधन टूट जाए, हर एक बंधन टूट जाए, हर एक बंधन टूट जाए। मैं प्रार्थना कर तेरे गलत संगति से आजाद हो जाओ, इधर उधर उलट फेर की बातों से अपने आपको बचाए रखो, चुगली की बातों से बचाए रखो, निंदा की बातों से बचाए रखो, इधर उधर की बातों से अपने आपको बचाए रखो। प्रभु का डर भय मान। प्रभु कहता है दिन भर प्रभु का डर भय में चलता जा। तो आप आशीषित व्यक्ति होकर बदल जाओगे, आपके रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। फिर आपको, आपके लिए यदि कोई दूसरा कोई गड्ढा भी खोदेगा, तो आप गड्ढे में ना करो गिरोगे, परंतु वो गड्ढे में गिर जाएगा। हालेलुया, प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं, हर एक बंधन टूट जाए, हर एक स्पिरिट जाए, हर एक दुष्टात्मा जाए। गेट अप यीशु के सामर्थ्य नाम में, गेट अप यीशु के सामर्थ्य नाम में, फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में, फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो दर्द में है, जो बीमार है, जो समस्या में पड़े हैं, जकड़े हुए, गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट, फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करते टूटा घर जुट जाए, मैं प्रार्थना करते जो बीमार चंगे हो जाए, हर एक इलाज बीमारी से आजाद हो जाए, स्किन की डिजीज, स्किन की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, जिनको फिर से दौड़े पड़ते आजाद हो जाए, आपका टूटा परिवार जुट जाए। जो फॉरेन कंट्री में रहते हैं लेकिन अभी भी जॉब नहीं है, मैं जॉब की घोषणा करती हूँ। अभी जो फॉरेन कंट्री में रहते हैं लेकिन बिजनेस नहीं चल रहा, ऐसे वक्त मैं बिजनेस को आपके लिए रिलीज करती हूँ के समर्थन नाम में।
स्वर्गीय भंडार को खोल दे, कर्ज से आजाद हो जाए, गवाही के साथ वापस आए। जिस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है, जिनके कई रीजन है, बहुत सारे प्रॉब्लम परेशानी, यीशु के सामर्थी नाम में चंगे हो जाए। जो हॉस्पिटल में एडमिट है, फ्री यीशु के सामर्थी नाम में चंगे हो जाए, यीशु के सामर्थी नाम में आजाद हो जाए, यीशु के सामर्थी नाम में गवाही के साथ वापस आए, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर एक बंधन टूट चुके, मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं ब्लेस घोषणा करती हूँ यीशु के सामर्थी नाम में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु का वचन कहता है कि मैं तेरी जरूरतों को पूरा करूंगा, तेरी किसी की बलि वस्तु की घटी ना होगी। मैं तुझे रात को अच्छी मीठी नींद दूंगा, मैं तुझे स्वप्न दर्शन के द्वारा बात करूंगा। ओ रब शंतर तेरा लबका तेरा। प्रभु जी हम ब्लेस घोषणा करते हैं, प्रभु जी हम ब्लेस घोषणा करते हैं, प्रभु जी हम ब्लेस घोषणा करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। रबका तेरा लबशन तेरा लबका तेरा। प्रभु जी शूल है हर एक लोगों को, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु दया करो, दया करो, तरस खाओ, तरस खाओ। हर एक बंधन टूट जाए, हर एक श्राप खत्म हो जाए, हर एक बंधन टूट जाए, फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके जॉब के साथ ब्लस करते, आपके बिजनेस के साथ ब्लस करते हो, जो कंसीव नहीं कर पा रहे कंसीव करें, करेंगे यीशु के सामर्थ्य। जो अभी जो और जो प्रेगनेंट है, हालेलुया, के प्रेगनेंसी को ब्लस करते हो। आपको किसी भी बड़ी वस्तु की घटी ना होगी, प्रभु आपको ब्लस करेगा, अच्छी हेल्दी शरीर की घोषणा करती हूँ। मिस धन्यवाद करती हूँ। आगे पीछे चलने के लिए मदद सहायता करना और अगुवाई करना परमेश्वर पिता, हरे जरूरतों को पूरा करना। जब रात को परमेश्वर जब सोते तो अच्छी मीठी प्यारी नींद देना, स्वर्गीय दर्शन की तरह बात करना। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। तो आज की प्रार्थना को जरूर शेयर करें, अपने टेस्टमनी को देना ना भूलें। वीडियो रिकॉर्डिंग करके अपने टेस्टमनी को शेयर करें, तभी वो शेयर किया जाएगा यूट्यूब मसीह की ताजगी चैनल में। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। अपने भेंट, अपने थैंक्सगिविंग, अपनी ऑफरिंग को आप ऑनलाइन पेमेंट गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के थ्रू या फिर बैंक के थ्रू दे सकते हैं। लगातार प्रार्थना करें चर भवन की जमीन के लिए, और मुझे भी अपने प्रेयर में याद रखें, मेरे टीम को प्रेयर वॉरियर के लिए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। हालेलुया। और जो भाई प्रार्थना करवाना चाहते हैं, दीप्ति प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। तो जो फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर, जो सैटरडे फास्टिंग प्रेयर में जरूर आए, और सुबह शाम की जो प्रार्थना होती है, सुबह 3 बजे और शाम को 6 बजे, उस प्रेयर मीटिंग का हिस्सा बने, आप ब्लेसड होंगे। तो रविवार की प्रार्थना सभा, जो संडे प्रेयर, जो संडे की जो मीटिंग होगी, एक डबल अभिषेक, दोगुना अभिषेक को देखने वाले अपने जीवन में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन। प्रभु का धन्यवाद। तो प्रभु में सदानंदित रहे, प्रभु में डेबर बढ़ते चाहे, प्रभु को आशीष दे, आपको पूछने किंतु सिर ठहराए, आपके हाथों के कमाई को सोर्स को ब्लेस करें। हाले प्रभु को मांगने वाला ना बनाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु में बढ़ते जाए, हालेलुया। प्रभु में सदा 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 आनंदित रहें, प्रभु को प्रार्थना का आत्मा दे, अभिषेक दे, नियमासा दे। सारे परमेश्वर पिता अपने अनुग्रह से भरती है, धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु की तारीफ हो। आप सभी लोगों को जय मसीह की।